बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले, न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल के नीचे आपको एक और चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे जाएं, उस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, उसको विज़िट करें। व्लागिंग चैनल है एक फैमिली का, और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि इस चैनल को मैं प्रमोट करूँ अपने इस चैनल पर, तो आप लाजमी तौर पर उसको क्लिक करें और उसको विज़िट करें, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत अच्छा चैनल है जो कि व्लॉगिंग वीडियो से रिलेटेड है। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो रेजिडेंसी कार्ड काफ़ी बड़ी तादाद में रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी मेन वजह क्या है और किस तरह से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है या आने वाले वक्त में होने वाली है, तो ये इकदाम लाजमी तौर पे कर लें ताकि आप बच सकें। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में एक अच्छी खबर है, जो कि अगस्त से एक अहम काम शुरू हो चुका है, इस पर डिटेल के साथ बात करूंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से भी एक अहम ऐलान किया गया है, ख़ास तौर पे इन आने वाले महीनों के लिहाज से। उसके बाद 20,000 से ज़्यादा हुकूमत की तरफ से नौकरियों का ऐलान किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो रेजिडेंसी रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी चंद दिन हुए हैं कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आने शुरू हुए हैं, और कल एक ताज़ा तरीन कमेंट और आया एक दोस्त का, जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत कम है अपील का, तो मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। यहां पे आपको बताता चलूं कि जब 14 मार्च 2020 को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई स्पेन में करोना वायरस की वजह से, उसके कुछ हफ्ते बाद इन्होंने अनाउंस किया कि जो गैर मुल्की बाहर गए हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, एवरीथिंग जो थी वो क्लोज़ हो चुकी थी, तो जो बाहर गए हुए हैं अपनी होम कंट्रीज़ में, उनको राहत दी जाएगी जब उनके पेपर न्यू होंगे। उन्होंने ख़ास टाइम के लिए राहत दी थी। हुआ क्या कि हमारी कम्युनिटी ने ये समझा कि शायद वो राहत 2020 के लिए भी है, 2021 के लिए भी है, और वो वहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे तक रहे, और उन्होंने चूँकि एयरलाइंस का मसले मसाइल थे, लेकिन अगर वो कोशिश करते तो उसका कोई ना कोई हल निकल आता, और बहुत सारे लोगों ने हल निकाला भी है। अब यही बात जो है, अब अक्सर खेरिया को, हुकूमत को मालूम है कि अगर ये चाहते तो ये आ सकते थे, लेकिन इन्होंने उस ऐलान का नजायज़ फ़ायदा उठाया। दूसरी बात ये कि वो ऐलान जो था वो सिर्फ 2020 के लिए था। अगर तो 2020 के अंदर अंदर और उन चंद महीनों में जो कि उन्होंने अनाउंस किया था, मार्च से लेकर तकरीबन जुलाई तक, अगस्त तक ये डिक्लेरेशन रही थी, उसके बाद नॉर्मली एयरलाइंस को चलना शुरू हो चुकी थी, तो उस अरसे के दरमियान उन्होंने ये ख़ास तौर पर राय दी थी। लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया कि 2021 में भी इस राइत से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, और 2020 के आखिरी जो महीने थे उनमें भी उन्होंने ऐसा ही किया। अब ये एक दोस्त अकेले नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी लोगों के जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं, और आने वाले वक्त में भी जो लोग रिन्यू के लिए जमा करवाएंगे उनकी भी रिजेक्शन होगी, क्योंकि वो ज़्यादा अरसा अपनी होम कंट्री में रहे हैं। ये याद रखें कि मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप लीगली कितना अरसा रह सकते हैं, वो लाजमी तौर पे वॉच करें, वहाँ पे तमाम डिटेल के साथ बताया गया कि क्यों इतना अरसा रह सकते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं रह सकते, क्यों लॉजिकली हम यहाँ पे काम के लिए आए हैं और काम की ही हमें रेजिडेंसी मिलती है। इस वजह से इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, ये नहीं सोचना कि अब मेरे पास लारगा दरासी होना है तो अब मैं वहाँ पर सारे पाँच साल हर साल चक्कर सिर्फ लगाऊँगा और वहीं पर रहूँगा। अगर इनको तमाम डाटे का मालूम हो जाता है तो आपको कन्फर्म रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, इस वजह से लाजमी तौर पर आते। अब इसका हल क्या है? जैसे आपको ये लेटर मिलता है कि आपको इस वजह से रिजेक्ट किया जाता है, फौरन कभी भी देर ना करें। अगर आपके पास लारगा दरासी होना है, और या आपके पास आखिरी 2 साल लिया, अब आपने लारगा दरासी लेनी है, या आपके पास पहली 2 साल लिया और अब आपने सेकंड 2 साल ही लेनी है, तो क्या करें कि फौरन आप जो है वो अपील में जाएं। अपील में जाने से क्या होगा, अगर आपको लारगा दरासी मिलनी है तो आपको 2 साल की मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको 2 साल की मिलनी है नेक्स्ट 2 साल की, फिर आपको 1 साल की दोबारा दे देंगे, लेकिन आपको इलीगल नहीं करेंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपील किस वकील के ज़रिए, कोई अच्छे वकील एक्सरा खीरिया के ज़रिए करवाएं,
ताकि इस परेशानी से बच सकें। बेशुमार लोगों ने इस तरह किया है। यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर करता चलूँ, जब आप नेशनलिटी जमा करवाएंगे इससे आपका टाइम भी अकाउंट हो जाएगा, वो जो जिस दिन से आप लीगल हुए हैं जब आपको ये रेजिडेंसी मिलती है, जो मुतबादल मिलती है, ये उसी डेट से शुरू होती है। ये अभी परसों की बात है कि एक दोस्त अपनी वाइफ के लिए अब्स्ट्रैक्ट दी हिस्टोरिया जो है नेशनल पुलिस से निकलवा के लेके आया, और वो मेरे साथ भी उसने शेयर की थी। उनके साथ सेम यही मसला था, वो ओवर स्टे थी और उनकी लारगा दरासन मिलनी थी, लेकिन उनको 2 साल की दी गई, तो उनका टाइम जो है वो पूरा हो चुका है उस लिहाज से जैसे नेशनल पुलिस ने उनको तमाम डॉक्यूमेंट दिए हैं। उनको भी लारगा दरासन की जगह 2 साल की मिली थी, और वो जो 2 साल की थी वो उसी टाइम को स्टार्ट की गई जब उनकी लास्ट रेजिडेंसी एक्सपायर हो रही थी। इट्स मीन कि वो टाइम जो है उनका काउंट हो गया। अब जब नेशनलिटी अप्लाई करने लगेंगे या लगेंगी उस वक्त वो टाइम अकाउंट होगा और वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इस वजह से लाजमी तौर पे इस पे अमल करें। इसके बाद बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के लिहाज से एक और अच्छी खबर है। जैसे कि हम बात करते रहे हैं प्लानेरी चौके की, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूं, और एक मरतबा फिर आपको बताता चल दूँ कि सबसे पहले आपको वो चैनल का लिंक मिलेगा जिसको आपने क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसको विज़िट करना है। उसके बाद आपको न्यूज़ नंबर लिंक नंबर 1 ये मिलेगा कि स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जो अगस्त में काम शुरू हो चुका है उसकी न्यूज़, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि अगस्त में 30,000 के करीब फाइलें जो हैं वो निपटा दी गई हैं, प्लानरी चौके शुरू है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2020-21 की जो कि लास्ट ईयर है नवंबर अक्टूबर तक फाइलें जो हैं वो निपटा दी गई हैं, तो इससे ये साबित होता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ काम शुरू है। जिन लोगों की नेशनलिटी साल हो चुका है या 8 महीने हो चुके हैं उनको अनकरीब इंशाल्लाह ताला आंसर आएगा और उनकी नेशनलिटियाँ पास होना शुरू हो जाएंगी। प्लानरी चौके पे ज़ोरों के साथ काम शुरू है, उसकी ये वजह है 3.5 लाख से ज़्यादा फाइलें हो चुकी हैं, ये भी आप नीचे लिंक में पढ़ सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्पेन की हुकूमत ने एक बहुत अच्छा अहम ऐलान किया। आपको मालूम है कि गैस, जैसे मैंने कल भी बताया था कि गैस की मेन पाइपलाइन जो है जो यूरोप को गैस पहुंचाती है वो रूस ने बंद कर दी है परसों की। अब रूस जो है वो सबक सिखाना चाहता है यूरोप को सर्दियों में। सर्दियों में गैस की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे जो ठंडे ममालक हैं यूरोप के, वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है हीटिंग के लिए और नॉर्मल यूज़ के लिए और जो कमर्शियल यूज़ है उसके लिए। अब जब मेन पाइपलाइन रूस ने बंद कर दी है और उस गैस को ज़ाया कर रहा है आग लगा के, लेकिन वो सेल नहीं करना चाहता यूरोप को, अब यहाँ पे मतबादल जो है वो रद्द अमल आना शुरू हो चुका है और स्पेन की तरफ से आ चुका है। हर जो प्रोडक्ट है स्पेन में उस पर 21% ईवा है। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई भी बिल पे करते हैं, उस पर 21% आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन स्पेन की हुकूमत ने अनाउंस किया है, जिसका लिंक आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा, कि जो 21% टैक्स देना पड़ेगा आवाम को गैस पे, वो अब आने वाले जो महीने आ रहे हैं इस पे जो है वो सिर्फ 5% देना पड़ेगा। ये जो वो तकरीबन 16% टैक्स कम देंगे, ये वो वसूल करेंगे एनर्जी कंपनी से और बैंक से। बैंकिंग जो है उनसे ये वसूल किया जाएगा जो कि बड़े अदारे हैं, और एनर्जी जो कंपनीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़, अंदेसा हुआ, बिद्रोला हुआ, ऐसी जो बड़ी कंपनीज़ हैं इनसे ये तमाम ईवा वसूल किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खुनशाइन बात है, इससे आपको जो डोमेस्टिक गैस है वो सस्ती मिलेगी। प्राइसेस बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन गैस की प्राइसेस में नहीं बढ़ेगी। 20,000 से ज़्यादा नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की तरफ से, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, बेशुमार नौकरियां हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये इन नौकरियों को आपने गौर से पढ़ना है, और जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कंपनीज़ हैं, ख़ास में बात करूँगा रैगो फार्मासी, उनके जो लोग हैं जो कोर्सेज़ करना चाहते हैं, वो ऐसी कंपनीज़ को, ऐसी नौकरियों को ख़ास तौर पे रीड किया करें। बिलाशुबा आप लीगल नहीं हैं, आप ये नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन इससे रिलेटेड आप कोर्सेज़ कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने में आसानी हो अगर आप ये कोर्सेज़ कर लेते हैं। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये कोर्सेज़ करने से आपको बहुत ईजी जो है बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब्स मिल सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और बड़े अच्छे ऐसे तरीके के साथ आप लीगल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़, और इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।